इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर जसनीत कौर को मॉडल टाउन थाना पुलिस ने कारोबारी को धमकी दिलवाकर ब्लैकमेल करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपित युवती की महंगी BMW कार भी जब्त कर ली है। थाना मॉडल टाउन की प्रभारी गुरशिंदर कौर ने बताया कि जसनीत कौर को सोमवार को अदालत में पेश किया गया था और उसे दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर जसनीत कौर मोहाली के सेक्टर 88 की रहने वाली है। उसकी एक कारोबारी गुरबीर सिंह से फोन पर काफी बातचीत होती थी। आरोप है कि जसनीत कौर ने पहले कारोबारी से नजदीकियां बढ़ाई और उसके बाद ब्लैकमेल कर पैसे मांगना शुरू कर दिया। जसनीत पर कारोबारी को बदमाशों से भी धमकियां दिलवाने का आरोप लगा है। इस केस में उसके दो और साथी भी नामजद हैं। एक सिटीजन दी गुरवीर गरचा दे नाम थे उन्हें दी कंप्लेंट दे बेसिस ते परचा दर्ज होया सी मॉडल टाउन थाने च 1 अप्रैल नू ते वो परचे दे सिलसिले विच अरेस्ट कीती गई है जी। किन्ने दिन दा रिमांड है जी? दो दिन दा रिमांड मिले जी। अच्छा, इस पूरे मामले दे विच कोई गैंगस्टर दे नाल लिंक जुड़ रहे हैं या होर भी नामजद कीते हैं? नामजद इक ना होर कीता है जी, बाकी सारा कुछ तफ्तीश दे दौरान ही पता लगेगा। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦੋਗੇ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਲੱਕੀ ਸੰਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਗੂ ਵੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਫੀਲੀਏਸ਼ਨਸ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਜੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੀ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰਾ ਬਰੀਫ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟੱਚ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਬਲੈਕਮੇਲ, ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਲੇਡੀ ਨੇ? ਅਮਾਊਂਟ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਬਟ ਇਹ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਨ ਟੱਚ ਆਏ ਸੀ ਐਂਡ ਲੇਟਰ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਕੇਸ ਆਫ